हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब? आशा है सब ठीक होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ एक कलश जो कि आधा बन चुका है। ये पहले मैंने शूट नहीं कर पाई क्योंकि ये ऑर्डर ड्राइंग है, किसी को जल्दी देना है, तो इसलिए बाद में मैंने सोचा कि क्यों ना शूट कर लूँ और ये यूट्यूब में शेयर करूँ। तो देखिए, ये ऊपर का तो शेडिंग वगैरह मैंने शेयर नहीं कर पाया, बीच में जो कलश है, जो कलश का जो डिजाइन वगैरह है वो आपसे शेयर करती हूँ। तो अभी ये जो पैटर्न है इसको मैंने पिंक कलर से पहले फिल कर लिया था, तो अभी इसको पर्पल कलर से मैं शेडिंग कर रही हूँ। पैटर्न के ऊपर का पोर्शन जो है उसमें थोड़ा डार्क शेडिंग होगा और नीचे थोड़ा लाइट शेडिंग होगा। ये पर्पल कलर का शेडिंग करते करते आपको ये भी बता देती हूँ, जो ऊपर जो पत्ते हैं और नारियल है, तो इसका शेडिंग कैसे किया। तो नारियल में जो है इसमें पहले मैंने ब्राउन कलर से पूरा फिल कर लिया था, उसके बाद मैंने ब्लैक कलर से शेडिंग किया। और पत्ते में जो येलो शेड है ना, पहले येलो कलर से मैंने शेड कर लिया, हल्का येलो कर लिया, उसके बाद मैंने ग्रीन कलर से शेडिंग किया, डार्क ग्रीन से, और पत्ते के नीचे के साइड में थोड़ा ब्लैक शेडिंग कर दिया। और एक बात, जो मेरे चैनल में नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करना, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि कैसा लगा मेरा ड्राइंग, तो मुझे अच्छा लगेगा। ये तो हो गया कंप्लीट। अभी मैं कर रही हूँ नीचे लाइट ब्लू कलर, अभी ये लाइट ब्लू कलर से मैं फील कर रही हूँ। अब देखो, इसको मैं आराम से फील कर रही हूँ। अभी इसके बाद इसके ऊपर भी थोड़ा डार्क शेडिंग होगा, साइड में डार्क शेडिंग होगा। डार्क ब्लू लेना है और डार्क शेडिंग होगा थोड़ा, और इस उबर के आएगा डिजाइन। ऐसे करना है, ठीक है। ये तो हो गया। अभी ये जो नीचे वाला लाइन है इससे इसको मैं येलो कलर से फिल कर रही हूँ। पहले येलो कलर होने के बाद, इसे अच्छी तरह से फिल करने के बाद, अभी इसके साइड में ऑरेंज कलर से सेट करना है। अभी थोड़ा डीप ऑरेंज का सेटिंग करना है, थोड़ा और प्रोमिनेंट लगेगा, साइड में ऐसे सेटिंग करना। अभी जो लाइनों के बीच में जो बड़ा बड़ा डॉट्स है इसको मैं ब्लू कलर से फिल कर रही हूँ। अभी ये ब्लू कलर से फिल कर रही हूँ। ग्रीन कलर से फिल कर रही हूँ, अभी लाइट ग्रीन कलर से ऐसे फिल करना। जब भी कलर करना होगा शेडिंग वाला कलर, तो
पहले लाइट कलर यूज़ करना, उसके बाद आप डार्क यूज़ करना, तो ड्राइंग बहुत अच्छा लगेगा। डार्क कलर के शेडिंग कर लेना तो बहुत ही अच्छा लगेगा। अभी इसके नीचे जो लाइन है उसको मैं रेड कलर से फिल कर रही हूँ। जो डॉट्स का पोर्शन था वहाँ पे मैंने ग्रीन कलर से फिल किया था, लाइट ग्रीन कलर से, उसी जगह पे साइड में मैं डार्क ग्रीन से शेडिंग कर रही हूँ, तो इससे और ज़्यादा उभर के आएगा डिज़ाइन। अभी इसमें जो रेड कलर का लाइन है तो इसमें अभी डार्क शेडिंग करना है, तो इसमें मैं कर रही हूँ ब्राउन कलर का शेडिंग। तो अभी ये जो स्पेस है वाइट ही छोड़ना पड़ेगा इसको, क्योंकि जिन्होंने ये बनाने के लिए दिया उन्होंने बोला कि ये स्पेस थोड़ा छोड़ना है क्योंकि इसमें कुछ लिखना है, तो इसको मैं वाइट ही छोड़ रही हूँ। साइड में थोड़ा ब्राउन का शेडिंग, हल्का सा शेडिंग कर रही हूँ ताकि थोड़ा अच्छा लगे। इसके नीचे जो स्पेस है उसको मैं ग्रीन कलर से भर रही हूँ, लाइट ग्रीन कलर से। अभी आराम आराम से इसको फिल करना है क्योंकि बाहर अगर कलर चला जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, धीरे धीरे फिल करना है इसे। अभी ये पूरा फिल हो जाएगा, उसके बाद इसके ऊपर भी डार्क शेडिंग होगा, डार्क ग्रीन का शेडिंग होगा। Thank you.
अभी इसके नीचे जो डिजाइन है वो बाद में कलर करूँगी, तो उसके नीचे जो लाइन है उसको मैंने पहले कलर कर लेती हूँ, येलो कलर फिल कर लेती हूँ। उसके बाद इसके ऊपर भी ऑरेंज का शेडिंग होगा। अभी ये दोनों के बीच में जो डिजाइन है इसको कलर कर लेती हूँ। पहले ये छोटा छोटा जो फूल है इसको मैं फिल कर लेती हूँ ब्लू कलर से। अभी ये जो कार्व्ड लाइन है इसको मैं येलो कलर से फिल कर रही हूँ। ये फिल होने के बाद मैं जो स्पेस बचा हुआ है इसके अंदर उसको भी फिल करना है। इसके अंदर मैं पिंक कलर कर रही हूँ।
आज का ड्राइंग। तो आपको ड्राइंग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ऐसे प्यार और सपोर्ट करते रहिएगा। और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपको लोगों को दिल से थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर अगले ड्राइंग वीडियो में।